सर आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ दूसरा सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं। नसबंदी के आदेश को लेकर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। ये रूटीन आदेश है, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ये कहते नजर आए। कम बच्चे होने से संतान पर परिजन ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के डर पर कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, अपना काम ईमानदारी से करें। खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल पीसी शर्मा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि नसबंदी के आदेश को लेकर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि ये रूटीन आदेश है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ये कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि कम बच्चे होने से संतान पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के डरने की जरूरत नहीं है और हम अपना काम ईमानदारी से करें। तो ये दोनों ही बातें जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज सभा अरविंद चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए। अरविंद, क्या मायने निकालकर देखे जा रहे हैं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के इस बयान के? बुसरा, आज शिवरात्रि के मौके पर जब प्रेस ने पीसी शर्मा से बात करने की कोशिश की, चूंकि अभी मुख्यमंत्री का बयान आया था कि प्रदेश में नसबंदी को लागू किया जाएगा, तो उसी के चलते आज पीसी शर्मा का बयान आया है कि नसबंदी एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि जनसंख्या जो देश की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, प्रदेश की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसे नियंत्रण करने के लिए ये नसबंदी लागू की जाएगी। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये नसबंदी की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी। उसी पर पलटवार करते हुए आज रामेश्वर शर्मा का भी बयान आ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश सरकार नसबंदी प्रक्रिया को लेकर पक्षपात करे, तो कहीं ये मान जा सकता है कि नसबंदी पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ पीसी शर्मा का बयान आ रहा है, दूसरी तरफ जो उनके विपक्ष में लोग हैं उनका बयान आना शुरू हो गया है, तो माना जा सकता है कि अगर नसबंदी की जो प्रक्रिया लागू होती है, कोई अगर कार्य योजना बनाई जाती है और उस पर विधिवत तरीके से काम होता है, तो निश्चित तौर पर कहेंगे प्रदेश के लिए और देश के लिए हितकर है। तो ये साफ तौर पर पीसी शर्मा ने आज कहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरविंद।